दोस्तों Realme Narzo 20A में आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का रेट्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड वाइट सेंसर देखने को मिलता है। डेप्थ सेंसर आपको यहां पर प्रोवाइड नहीं किया गया है। दोस्तों अगर बात करें यहां पर इसके कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको स्लो मोशन 4K वीडियो की आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जो मैंने पिछले वीडियो में मिस कर दिया था। साथ में दोस्तों एक्सपर्ट मोड वगैरह आपको सारे देखने को मिलते हैं। 8 मेगापिक्सल की दोस्तों सेल्फी देखने को मिल जाती है और इस फ़ोन में आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है रियर में, ये फ्रंट के लिए दोस्तों नहीं है। फ्रंट में दोस्तों आप 1080p पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो बिना EIS के। तो दोस्तों बात करें Narzo 10A की, तो आपको इसमें दोस्तों 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है प्राइमरी, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का ही मैक्रो सेंसर प्रोवाइड किया गया है। अच्छी बात है दोस्तों, डेप्थ और मैक्रो दोनों इसमें प्रोवाइड आपको किए गए हैं। दोस्तों बात करें सेल्फी की, तो सेल्फी में थोड़ा दोस्तों डाउनग्रेड है, आपको इसमें 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। इसमें दोस्तों आपको कोई EIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है और स्लो मोशन आपको यहां पर प्रोवाइड है और ना ही आपको यहां पर 4K की ऑप्शन देखने को मिलती है। तो जो मैं आपको आज मोड्स यहां पर ये बता रहा हूं, ये दोनों ही फ़ोन में अवेलेबल है। पोर्ट्रेट मोड, वीडियो मोड, नाइट मोड, एक्सपर्ट मोड, सारे मोड दोस्तों आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और रियलमी का जो Narzo 20A है उसमें भी दोस्तों सारे मोड्स आपको प्रोवाइड है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से इनके हम सैंपल यहाँ पर देख लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन किस सेगमेंट में अच्छा है। दोस्तों पहले सैंपल शॉट की, और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो पहली नज़र में तो दोस्तों कोई भी यहाँ पर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 मेगापिक्सल से ये दोस्तों शॉट लिया गया है दोनों ही फ़ोन से। तो कलर्स वगैरह दोस्तों सेम आपको यहाँ पर दिखेंगे दोनों ही फ़ोन्स में, चाहे आप सीट का कवर देख लो या फिर बैकग्राउंड में सेम है दोस्तों। लेकिन अगर आप पायलट को देखोगे तो Narzo 28 में दोस्तों बेहतर टेक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस फोटो में आप देख सकते हो जो एक्सपोजर लेवल है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है यहाँ पर Narzo 20A ने। दोस्तों जिसकी बदौलत यहाँ पर जो Narzo 20A है उसने बेहतर टेक्सचर यहाँ पर कवर किया है, और Narzo 10A ने भी दोस्तों बेहतर किया है लेकिन उतना नहीं। दोस्तों अब इस सैंपल शॉट में आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन दोस्तों सेम टाइप की फ़ोटो लेते हैं यार, ज़्यादा डिफरेंस इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों आप अगर वाइल्ड क्राफ्ट की ओर देखोगे तो जो दोस्तों कलर्स है वो इस बार यहाँ पर बेटर Narzo 10A ने कैप्चर किए हैं। दोस्तों इस सैंपल शॉट में दोनों ही फ़ोन ने काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ निकाली है, लेकिन आप मेरी अगर शर्ट की ओर देखोगे तो Narzo 10A ने दोस्तों बेटर यहाँ पर कलर कैप्चर किए हैं। दोस्तों Narzo 10A में आपको यहां पर अल्ट्रा मैक्रो की ऑप्शन देखने को मिलती है, जिसकी बदौलत दोस्तों आप इतने अच्छे यहां पर शॉट निकाल सकते हो। काफ़ी लोग दोस्तों इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जो दोस्तों इस्तेमाल करते हैं वो यहां पर काफ़ी अच्छे से दोस्तों यहां पर फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट की, तो पोर्ट्रेट शॉट भी दोस्तों सेम निकल कर आते हैं दोनों ही फ़ोन में। यहाँ पर क्लियरिटी दोनों ही फ़ोन की काफ़ी अच्छी है, लेकिन दोस्तों अगर बात करें नेचुरल ब्लर की, तो वो मुझे दोस्तों यहाँ पर Narzo 10A में बेहतर दिखा है। Narzo 20A में दोस्तों ना अच्छे से निकल कर नहीं आया है। इस फोटो में दोस्तों आप देख सकते हैं जो कॉन्ट्रास्ट है वो दोस्तों Narzo 10A में बेहतर है और Narzo 28 में दोस्तों ओवर एक्सपोज है। दोस्तों यहाँ पर बात करें नाइट सैंपल्स की, तो उतने अच्छे तो दोस्तों निकल कर नहीं आएंगे, लेकिन दोस्तों आप सैंपल में देख सकते हैं Narzo 20A ने थोड़ा बेहतर यहाँ पर एक्सपोजर लेवल दिखाया है Narzo 10A से। तो दोस्तों इन दोनों ही फ़ोन में आपको नाइट स्के मोड देखने को मिल जाता है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक कॉन्ट्रास्ट लेवल बढ़ गया है, लेकिन फिर भी दोस्तों Narzo 20A में बेहतर यहाँ पर इमेज निकल कर आई है। दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p 30fps पे Realme Narzo 20A में, तो इसमें आपको EIS दोस्तों देखने को मिलता है, लेकिन अभी तो मैं दोस्तों चल नहीं रहा हूँ, तो सेम ही वीडियो दोस्तों निकल कर आएगी। एक्सपोजर लेवल वगैरह दोस्तों काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का, सब कुछ आपको यहाँ पर ठीक देखने को मिल जाता है। आपको दोस्तों यहाँ पर स्लो मोशन के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगी और 4K भी आप यहाँ पर शूट कर सकते हो। पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ Realme Narzo 10A में 1080fps पर, इसमें आपको EIS देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इसमें यार थोड़ा एक्सपोजर लेवल ज़्यादा है और कलर्स भी आपको थोड़े पंची देखने को मिल जाते हैं इसी Realme Narzo 10A में। तो दोस्तों इसमें आप स्लो मोशन वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर सेल्फ़ी की, तो यार सेल्फ़ी में आपको कुछ ज़्यादा मैं बता नहीं सकता, क्योंकि Narzo 20A में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और Narzo 10A में 5 मेगापिक्सल का
दोस्तों इसकी वजह से नार्ज़ो 20A में आपको बेहतर यहाँ पर कंट्रास्ट लेवल और क्लियरिटी देखने को मिलेगी, जो आपको नार्ज़ो 10A में दोस्तों उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों यार इस वीडियो में कुछ इतना ही, और ये नार्ज़ो 28 से लिया गया दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट लेंस से मैंने फ़ोटो ली है, तो इस प्रकार की देखने को मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करिएगा कि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किस फ़ोन के ऊपर और कैसी बनाऊँ।